સુરતના પુણાગામ વિસ્તારમાં આવેલા શિવાજીનગરમાં 13 નંબરના મકાનમાં છત પડવાને કારણે એક પ્રાંતિય વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું। સુરતના શિવાજીનગરમાં 13માં મકાનમાં સાડીનું ખાતું ચાલતું હતું। આ ખાતામાં કામ કરનાર એક વ્યક્તિ રાત્રે ત્યાં સૂતો હતો। મકાનની છત નબળી હોવાને કારણે દુર્ઘટના બની હતી, જેમાં એક વ્યક્તિ પોતાના જીવન ટૂંકાવ્યું ને કારીગરોએ અનેકવાર મકાન માલિકને રજૂઆત કરવા છતાં મકાનની છતનું કામ રિપેરિંગ ન કરવાથી આજથી એક વ્યક્તિએ પોતાનો જીવ ટૂંકાવવાનો વારો આવ્યો હતો। બનાવના પગલે પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, ત્યારબાદ મૃતકને હોસ્પિટલ લઈ જઈ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો। હાલ તો પરિવારજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે। જ્યાં સુધી પરિવારજનોને ન્યાય ના મળે ત્યાં સુધી તેઓ મૃતદેહને નહીં સ્વીકારવાની ચીમકી પણ આપી હતી। મારું નામ રાજકુમાર છે। यहाँ पे मैं मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फूफा के छोटे भाई हैं और उनके फैमिली के कुछ सदस्य लोग यहाँ पे काम करते थे और उनकी डेथ हो गई छत गिरने से। और हम लोगों को न्याय चाहिए और ये बहुत पुराना मकान है। हमने सेठ को और मकान मालिक को भी कई बार रिपेयर कराने को बोला और सेठ सस्ते भाड़े के चक्कर में उसने कभी रिपेयर नहीं कराया और हम लोगों को केयर नहीं किया। और हमको न्याय चाहिए। सेठ आया था, रात में आया था, पुलिस भी आई थी, सब लोग फॉर्मेलिटी करके पूरा करके वो लोग मेरे पे प्रेशर डाल के वो लोग चले गए। क्या नाम है सेठ का? क्या नाम है सेठ का? नाम नितिन है और पंकज। कौन सी जगह है ये? ये शिवाजी नगर है। कितने साल से काम करते थे वो यहाँ पे? लगभग 4-5 साल से सभी कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत पुराने कारीगर हैं और बहुत टाइम से बोला जा रहा था इसे रिपेयर कराइए, लेकिन जरा से भी ध्यान नहीं गया हम लोगों को। अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। और अभी मेरे फूफा का जो छोटा भाई है उसका बॉडी अभी सारा दरवाजे पे सिविल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में अभी उसका है, वहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं बॉडी को नहीं ले जाऊँगा। और मुझे बॉडी ले जाना है, घर पे ले जाना है, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता मुझे मैं बॉडी को नहीं ले जाएगा। मेरे को सेठ के अपराध और मकान मालिक के अपराध में उसके प्लस में कंप्लेन चाहिए।